Hallelujah.
आरती होने में और हम आगे किसकी वजह से आए वो मैं आपको ब्लॉग में आगे दिखाऊंगी। हम किसकी वजह से बीच में उठ के आ गए, मुझे खुद अजीब सा लग रहा है बीच में उठ के आने में। था सही बता, मैं वहाँ कीर्तन छोड़ के आई सच में ही कि आरती होने वाली बस थोड़ी बहुत देर में, और मैं वहाँ से आ गई। मैंने कहा चलो चलती हूँ, क्योंकि शीतल मैम घर पे आई थी, उन्होंने कॉल करवाई, इतने में वहाँ से निकली मैं यहाँ तक आती, इतने तो मैडम चली भी गई। तो आप सबने देखा शिवरात्रि के दिन इतना अच्छा मौका मिला कि आज हमें भोले बाबा की शादी को सेलिब्रेट करने का मौका मिला, और आज था कीर्तन फंक्शन भाभी के यहाँ पे जो आपने देखा। और चंदीले फतेहपुर की ने आज सब रंग में रंग दिए, भाभी ने ली गुलाल करा थाली में और वो सब ऊपर ऐसे फेंक दिया, मतलब सब रंग गई। कीर्तन वाली बोल रही भाई कोई होली खेले ना खेले, हम होली ने सबे खिलाएंगे। उन्होंने ऐसी होली खिलाई सब रंग बेरंग, सब रंग बिरंगे हो गए। और आज चेहरा देख रहे हो कैसा हो रहा, आज एक दिन के व्रत में। यार हमारा भोला तो सुबह से गायब है, आज वो कहाँ गया सेवा करने, इतनी भीड़ है आज हमारे यहाँ। मैंने आपको बताया ना शिव मंदिर के बारे में, वहाँ तो मैं सच में ही नहीं गई, और अब मतलब हाथ जोड़ रही हूँ कि सही है नहीं गई, क्योंकि आज वहाँ पे हुआ एक एक्सीडेंट और इतनी भीड़ है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है सच में। रचना दीदी भी बता रही, कह रही इतनी ज़बरदस्त भीड़ है छतरपुर से इधर आने में, क्योंकि दीदी वहाँ से आई, कह रही मतलब खड़े होने, क्योंकि आज हमारे यहाँ गुरु जी आश्रम भी है, क्योंकि आज शिवरात्रि है उसकी वजह से तो आज इतनी ज़्यादा भीड़ है। शुक्र है हम नहीं गए, हम तो अपने बाबा को यहीं मना के आ गए, और हमारे बाबा हमारी यहीं से मान लेना। चलो मैं आ चुकी हूँ, अब चाय वाय बनानी है, फिर मिलेंगे हम आपको थोड़ी देर बाद। ये सच में ही गैल है, मैंने छोड़ के आ गई, ये पकड़ती पकड़ती मुझे यहाँ तक आ गई।
भाभी गाने में चले गई अभी, और वाक्य में ही आप दोनों इतना अच्छा डांस करो, मैं तो देखती देखती रह गई आपके डांस सारे कैप्चर, मतलब मैंने हर एक जिस पे भी आपने डांस करा ना सारे कैप्चर लिए आपके। और भाभी कह रही है आ जाओ ऐसे ही, भाभी तो मैं रोज व्लॉग में ले लूं, सच में आप मुझे बहुत अच्छे लगे। मेरा बिल्कुल भी मन ना आया आने का, लेकिन मेरी फ्रेंड झूठी तू मैंने मैं फोन करके बुला ली, तू व्लॉग तो देखेगी जरूर। देखिए मैं अपनी इतनी अच्छी भाभी ने छोड़ गई दिल्ली, और जब मैं आई ना मुझे लगा इन्होंने ना दुबका के बैठा दी वो, क्योंकि कहाँ शीतल कहाँ, जब आके देखो तो शीतल तो गई, फिर मम्मी कह लगी वो गई, फिर आपने मैं क्यों बुला ली घर। और आपकी आईडी मुझे सच में ही ना बताई, आज देखूंगी मैं आपकी आईडी इंस्टा पे या यूट्यूब पे, इंस्टा पे। अच्छा इंस्टा पे, यूट्यूब पे ना करते आप कमेंट? अभी ना करे, मैंने वहाँ पे ही देखती रहूँ इंस्टा पे। हम बस फोन ही अब भाभी एकदम नॉर्मल सी होगी, कैमरा ऑन होते ही बाकी बहुत है गड़े, वैसे बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा डांस भी करे सॉलिड बॉडी। अब हम बड़ौली आएंगे, जब आके बढ़ाएंगे वहाँ व्लॉग। जागरण में ली दीदी हमारी, और मैं ये कमेंट कर, मतलब टाइटल जो रखती ना मैं ये रखती कि चंदीले फतेहपुर वाली ने हमें पहले ही होली खिला दी, लेकिन मुझे अब पता चली कि ये बड़ौली से है। और भाभी आपने जो थाली में लेके कलर सबके ऊपर ऐसा डाला, सब कह रहे हमारे सूट ऐसे हो गए, मैंने होली किसी किसी के खेलने को मिला, फूलों की होली सबके है उनके ऊपर गए खूब। मैं तो कह रही मैंने तो आके हटाए ना, देखो ये लगा और देखो ये लगा, मैंने अच्छी बात है रंग बिरंगे हो गए। अभी वर्त तो खोल लेते जब खाली हो, झूठ लो खिडौनी ये भेंट ना देना या मर के वारी है तुमसे आंटी। ले मैं खींचू मैं खींचू मैं खींचू फ्लैश हटा ऑफ करो अभी, अच्छा आया देखो बढ़िया आ रहा। हमारे भी ऐसी खींचे आपने या ऐसी खींच दी लू एंडे बैंडे से भैया, किसी को मौन रखना पड़े ना तो दूर तक दो मिनट बात भी करनी पड़े बात। हेलो देख लो कितनी अच्छी पहचान बता रखी है मैंने अपने घर की, भाभी आपने तो वैसे पहचान लिया, और लोग तो पता क्या कह रहे हैं मैं अपने पीहर में ही न रहती, और देखो घर के सामने लग रहा हूँ असोला इंक्लेव में, अब तो यकीन कर लो कि असोला में ही रहूं, कुछ तो ऐसे ही कहवे कि असोला में रहती, उन्हें प्यार ना जिन्हें प्यार है वो दिल की बात पहचान ले। देख लो हमारा मिलना मतलब वैसे तो हो गया लेकिन हम बात ना कर पाए, और यू हो प्यार की देख लो भाभी घर तक आई, और सच में जो आपने कही ना दीदी हम तो आपसे मिल नहीं पाए, मैं तो मैं आने लू सब तो अपने फॉलो बढ़ा, मैं कुछ ऐसे ना मैं तो वैसे मिलने आई हूँ प्यार में, सही में बिल्कुल रियल वाला प्यार है यू बड़ौली के हैं। अनार 10 रुपए दे दो। बाबा पे हाथ जुड़ गई हमारे भी बाबा, हम आधा चल लो अरे कोई ठीक है तो इसकी बताना बस, जय श्री कृष्ण।